हेलो एवरीबडी आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है रिज़र्वेशन इन इंडिया हमारे भारत में जो कास्ट सिस्टम है वही रिस्पॉन्सिबल है रिज़र्वेशन के लिए रिज़र्वेशन का मतलब होता है फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट जॉब्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और लेजिस्लेचर की सीट्स को एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं इनके द्वारा हिस्ट्री में इनजस्टिस को फ़ेस किया गया है कास्ट सिस्टम की वजह से हम रिज़र्वेशन को इस तरह भी देख सकते हैं कि जो रिज़र्वेशन है वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया में जो रिज़र्वेशन है उसे गवर्न किया जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के द्वारा और बैक किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ़ रिज़र्वेशन विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले के द्वारा 1882 में कास्ट बेस्ड रिज़र्वेशन सिस्टम का आइडिया दिया गया था जो रिज़र्वेशन सिस्टम आज हम देख रहे हैं इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1933 में जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे के द्वारा कम्युनल अवार्ड को प्रेजेंट किया गया था जो अवार्ड था उसके द्वारा इलेक्टोरेट्स के लिए सेपरेट प्रोविजन्स बनाए गए थे मुस्लिम के लिए सिख के लिए इंडियन क्रिश्चियंस के लिए एंग्लो इंडियंस के लिए यूरोपियंस के लिए और दलित्स के लिए लंबे समय तक नेगोशिएशन के बाद गांधी जी और अंबेडकर जी ने साइन किया था पूना पैक्ट को जहां पर ये डिसाइड किया गया था कि यहां पर एक सिंगल हिंदू इलेक्टोरेट होगा जिसमें कुछ रिजर्वेशंस होंगे इंडिपेंडेंस के बाद इनिशियली जो रिज़र्वेशन थे वो सिर्फ एस और एस को प्रोवाइड किए गए थे ओ को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था 1991 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन मंडल कमीशन आर्टिकल 340 में जो पावर्स बताई गई हैं उनको एक्सरसाइज करते हुए जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपॉइंट किया था बैकवर्ड क्लास कमीशन को दिसंबर 1978 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल जो कमीशन था उसे इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि डिटरमाइन किया जा सके क्राइटेरिया जिसे डिफाइन किया जा सके इंडिया की सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को और इसके साथ ही रिकमेंडेशन दिया जा सके ऐसी स्टेप्स के लिए जो कि इन क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए ली जा सकती है मंडल कमीशन के द्वारा कंक्लूड किया गया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 52 टू परसेंट ओ हैं जिसका मतलब ये है कि 27 परसेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो उनके लिए रिजर्व किए जाने चाहिए कमीशन के द्वारा 11 इंडिकेटर्स को डेवलप किया गया ऑफ सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कमीशन के द्वारा न सिर्फ हिंदूज़ में डिटरमाइन किया गया बैकवर्ड क्लासेस को पर जो नॉन हिंदूज़ हैं उनमें भी बैकवर्ड क्लासेस को डिटरमाइन किया गया मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट में भी डिटरमाइन किया गया बैकवर्ड क्लासेस को कमीशन के द्वारा ऑल इंडिया अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को जनरेट किया गया जिसमें 3,743 कास्ट्स थी और इसके साथ ही एक और लिस्ट को जनरेट किया गया जिसके अंदर मोर अनप्रिवलिज डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस थी उस लिस्ट में टू कास्ट थी सुप्रीम कोर्ट ऑन रिजर्वेशन इंदिरा सुहाने केस ऑफ 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया 27 परसेंट कोटा बैकवर्ड क्लासेस के लिए और इसके साथ ही स्ट्रक डाउन किया गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को जिसमें रिजर्व किया गया था 10 परसेंट गवर्नमेंट जॉब्स को फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अमंग द हायर कास्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेम केस में इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया गया कि जो कम्बाइंड रिज़र्वेशन बेनिफिशरीज़ हैं वो एग्जीड नहीं करेंगे 50 परसेंट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन को जो कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर का वो भी लाइट में आया था इस जजमेंट के बाद और इसके साथ ही ये बात भी क्लियर कर दी गई कि जो बैकवर्ड क्लासेस का रिज़र्वेशन है वो सिर्फ अपॉइंटमेंट तक सीमित रहेगा प्रमोशन तक एक्सटेंड नहीं होगा रिसेंटली कॉन्टीट्यूशनल वन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के द्वारा 10 परसेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड इन द अनडिज़र्व कैटेगरी को एक्ट के द्वारा आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया गया है उसमें क्लॉज़ेस को ऐड किया गया है कि गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाएगा रिज़र्वेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्निंग रिजर्वेशन इन इंडिया पार्ट 16 ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद रिज़र्वेशन ऑफ एस एंड एस इन सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रिज़र्व सीट्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर एस सी एंड एस टी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था बाय सेवेंटी सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी फाइव और एक नया क्लास जोड़ा गया था फ़ोर ए आर्टिकल सिक्सटीन में जिससे गवर्नमेंट को इनेबल किया गया था टू प्रोवाइड रिज़र्वेशन इन प्रमोशन बाद में क्लॉज फोर ए को मॉडिफाई किया गया था एटी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड वन के द्वारा ये इनेबल करता है स्टेट को कि स्टेट के द्वारा फ़िल की जाए अनफिल्ड वैकेंसी एक साल की जो कि रिज़र्व की गई थी एस और एस के लिए सक्सीडिंग ईयर में जिसे नलिफाई किया जा सके द सीलिंग ऑफ फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन ऑन टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज को उस ईयर के लिए आर्टिकल 330 और 332 प्रोवाइड करता है फॉर स्पेसिफ़िक रिज़र्वेशन थ्रू रिज़र्वेशन ऑफ़ सीट्स फॉर एस एंड एस इन पार्लियामेंट और इसके साथ ही स्टेट लैजस्लेटिव असम्बलीज में आर्टिकल 243 डी प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पंचायत में फॉर एस एंड एस आर्टिकल 233 थर्टी प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स म्यूनिसपालिटी में फॉर एस सीज एंड एस टीज़ आर्टिकल थ्री थर्टी फाइव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो क्लेम्स है एस टीज़ और एस सीज़ के उन्हें कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंटली और एडमिनिस्ट्रेशन की इफ़ेक्टिवनेस को मेनटेन किया जाना चाहिए स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज़ श्रीमती चम्पा कम दोराई राजन नाइनटीन फिफ्टी वन ये पहला मेजर वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का ऑन द इशू ऑफ़ रिज़र्वेशन इस केस के द्वारा फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पॉइंट आउट किया गया था कि जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की अंडर स्टेट आर्टिकल 16 क्लॉज 4 प्रोवाइड करता है रिज़र्वेशन का इन फेवर ऑफ़ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और ऐसा कोई भी प्रोविजन उपलब्ध नहीं है आर्टिकल 15 में सुप्रीम कोर्ट की इस बात को परसू करते हुए जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा अमेंड किया गया था आर्टिकल 15 को और इंसर्ट किया गया था क्लॉज 4 को इंदिरा सुहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 इस केस में कोर्ट के द्वारा एग्जामिन किया गया था आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के स्कोप और एक्सटेंट को इस केस में कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो क्रीमी लेयर ऑफ ओ है उसे एक्सक्लूड किया जाना चाहिए बेनिफिशरीज ऑफ रिज़र्वेशन से यहाँ पर रिज़र्वेशन नहीं होना चाहिए प्रमोशन में और जो टोटल रिज़र्व कोटा है वो एक्जीड नहीं करना चाहिए फिफ्टी परसेंट को पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्ड किया था बाय इन एक्टिंग सेवेंटी सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल सिक्सटीन क्लॉज फोर ए को आर्टिकल ने स्टेट को पावर कन्फर की कि वो रिज़र्व करे सीट्स को इन फेवर ऑफ़ एससी एंड एसटी इन प्रमोशन एंड पब्लिक सर्विसेज अगर जो कम्युनिटीज़ हैं वो एजुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के, के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए को और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ऐसी कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तभी है जब वो सेटिस्फाई करती है तीन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स को फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी कि एस और एस कम्युनिटी जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए सकेंड रिक्वायरमेंट ये थी कि जो एस और एस कम्युनिटीज़ हैं वो एजुकेटली रिप्रजेंट नहीं होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और थर्ड रिक्वायरमेंट ये थी कि जो रिज़र्वेशन पॉलिसी है वो अफेक्ट नहीं करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी को इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि रिज़र्वेशन एंड प्रमोशन के लिए स्टेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कलेक्ट करे क्वालिफाइड डेटा ऑन द बैकवर्डनेस ऑफ एस एंड एस टीज़ रिज़र्वेशन इज़ नीडेड बैकवर्ड क्लासेस के साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है हमारे देश में उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए रिज़र्वेशन की आवश्यकता है जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं वो कम्पीट नहीं कर सकती हैं उन लोगों के साथ में जिनके पास हर चीज़ को लेकर एक्सेस है तो यहाँ पर उन्हें सेम लेवल प्रोवाइड करने के लिए रिज़र्वेशन ज़रूरी है स्टेट में जो सर्विसेज हैं उनमें बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा रिप्रेजेंटेशन को एंश्योर करने के लिए रिज़र्वेशन ज़रूरी है बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए और इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है जब बात आती है स्टेट सर्विसेज में रिज़र्वेशन की तो ये बढ़ाता है डिविज़न और एनिमिटी को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बीच कुछ पर्टिकुलर कास्ट को रिज़र्व कर कर जो कास्ट सिस्टम है उसे और ज़्यादा डीप रूटेड किया जा रहा है हमारी कंट्री में रिज़र्वेशन के द्वारा जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो दी गई है पर वे अभी भी सोशली डिसएडवांटेज्ड ही हैं रिज़र्वेशन प्रोवाइड करके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है रिज़र्वेशन ने जो लोगों को फ़ायदा दिया वो तो है ही पर इसके साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी रिज़र्वेशन को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं बैकवर्ड कास्ट में जो डोमिनेंट और एलाइड क्लास है वो ही फ़ायदा ले पाते हैं रिज़र्वेशन का समय के साथ साथ जो मैकेनिज्म है रिज़र्वेशन का वो एक्सक्लूजन का बनते जा रहा है ना कि इंक्लूजन का बहुत सारे अपर कास्ट के लोग भी ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिक इनजस्टिस को फेस कर रहे हैं तो इसलिए सोसाइटी में फ्रस्टेशन डेवलप हो रहा है हम ये कह कर कंक्लूड कर सकते हैं कि रिज़र्वेशन तब तक फेयर है जब तक कि वो प्रोवाइड करता है अप्रोप्रिएट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को पर जब यहाँ पर वो सोसाइटी को हार्म करने लग जाता है और कुछ लोगों को प्रिविलेज दी जाती है ऑन द कॉस्ट ऑफ नैरो पॉलिटिकल एंड्स तब ये गलत है